आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में यहाँ चर्चा चल रही थी मोह निद्रा के संदर्भ में। मोह रूपी निद्रा के वशीभूत होकर इस प्राणी की कैसी दशा होती है, इसका चित्रण आचार्य देव ने यहाँ बहुत विस्तार से किया है। मनुष्य गति के दुखों की यहाँ चर्चा करने के उपरांत माने संक्षेप में ये बात बतलाने के बाद कि बाल्यावस्था में, यौवन अवस्था में और वृद्धावस्था में ये जीव निरंतर मोह हावी होने के कारण दुखी ही बना रहता है। इस तरह ये मोह छोड़ने योग्य है, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पेज नंबर 56 पर, 56 पेज पर देखिए, देव गति में भी बहुत मानसिक दुख होते हैं। माने मनुष्य गति के दुखों की चर्चा सुनकर कोई व्यक्ति यदि ये बात कहे कि अरे हम तो देव गति में चले जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, यहाँ तो बहुत परेशानियां हैं लेकिन देव गति में तो आनंद होगा, और सभी लोगों की ये इच्छा रहती है कि कम से कम मर के हमारे को देव गति मिल जाए, स्वर्ग में चले जाए तो अपना कल्याण हो जाए। और कल्याण का अर्थ भी ये समझते हैं भाई, जो व्यक्ति ये भावना बातें हैं कि मरते समय कान में ओंकार मंत्र सुना दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये चाह रहे हैं कि हमको देवगति मिल जाए, क्योंकि ओंकार मंत्र सुनने से मोक्ष तो मिलेगा नहीं, पुण्य बंधन होगा, परिणामों में सहज निर्मलता होगी, आकुलता की थोड़ी कमी होगी तो मर करके देवगति में चला जाए। माने आत्मकल्याण किसी को नहीं करना है, सबको देवगति चाहिए। तो आप क्या करें, देवगति में नहीं जाना चाहें तो मोक्ष तो वर्तमान में होता नहीं है, और नरक त्रियंत जाने की सोचें क्या, वो तो कोई सोचता नहीं है। मनुष्य से मनुष्यपना प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, तो फिर देवगति बचती है, इसलिए देवगति के बारे में हम सोचते हैं तो क्या गलत सोचते हैं। ये कह रहे हैं लक्ष्य तो मोक्ष का ही रखना, लक्ष्य तो मुक्ति का रखना, रास्ते में देवगति आए तो कोई ऐतराज नहीं। तीर्थंकर आदि कितने सब महापुरुष जो हैं देवगति से आए, स्वर्ग से आए, आकर के स्वर्ग में रहे बहुत लंबे काल तक। मान लीजिए ऋषभ देव स्वामी है तो सर्वार्थ सिद्धि में रहे 33 सागर तक, लेकिन 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में रहने पर भी उस सर्वार्थ सिद्धि को उपाधेय नहीं माना। सर्वार सिद्धि में रहते हुए वे सर्वार सिद्धि को अच्छा नहीं माना, जेल है वो भी, बंधन है वो भी, पराधीनता है वहां भी, और तो और जब सर्वार सिद्धि में नहीं थे तब उससे ऊपरी दशा में थे। यहाँ सर्वार सिद्धि में पहुंचना तो समझ लीजिए आप उनका नीचा दर्जा है, नीचे गिरा दिया गया, सातवीं से चौथी क्लास में आ गए, क्योंकि जब सर्वार सिद्धि में नहीं थे उससे पहले यहाँ मुनि भूमिका में थे, संयमी थे, महाव्रती थे, आत्मानुभवी थे, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती थे। अब छठवां सातवां गुणस्थान छोड़कर, आत्मानुभवी उस अवस्था को छोड़कर, महाव्रती अवस्था को छोड़कर, पूर्ण संयमी उस अवस्था को छोड़कर अब असंयमी हो गए तो प्रमोशन हुआ ना उनका, बोलो अपने को जिस चीज की महिमा आ रही है तो कह रहे हैं वो देवगति में है ही नहीं वो चीज। और फिर देवगति के जीव भी मानसिक पीड़ा से दुखी होते हैं,
ये बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप कहेंगे कि तरवार सिद्धि में तो ऐसी मानसिक पीड़ा नहीं होगी, तत्व चर्चा करते रहते हैं 33 सागर तक, लेकिन तरवार सिद्धि में जाने वाले होते कौन है? पूर्व के ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे भावलिंगी संत होते हैं जो तरवार सिद्धि में चले जाते हैं, ठीक है। कदाचित पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण, देखो पुरुषार्थ का काम नहीं है, पुरुषार्थ विशेष होता तो सर्वार सिद्धि में क्यों जाते, मोक्ष ही नहीं चले जाते। 5 पांडवों में से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों का पुरुषार्थ विशेष था, उन्होंने उसी अवस्था से मुक्ति की प्राप्ति की, और नकुल और सहदेव क्यों रह गए सर्वार सिद्धि में? थोड़ी सी पुरुषार्थ की कमजोरी, और कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ पुरुषार्थ की कमजोरी रही, कुछ विकल्प आ गए, विकल्प से निर्विकल्प न हो सके, पूरी तरह से विकल्प टूट न सके, ठीक है, या अपना उपयोग अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थिर नहीं हो सका, ठीक है। विकल्पों की बात तो जरूर, विकल्प ही है ना, छठे गुणस्थान में आना भी तो विकल्प ही है, विकल्प का अर्थ कोई घर गृहस्थी वाले विकल्प थोड़ी ना, मुनि भूमिका के योग्य विकल्प वो भी तो होंगे ना, स्वरूप में स्थिर नहीं हो सके, इसका अर्थ ही ये है कि विकल्प था, शुभ भाव था, छठा गुणस्थान था। सातवें गुणस्थान में एक निश्चित समय तक स्थिर रह जाए तो सातिश्य अप्रमत्त दशा होते हुए श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और सातिश्य अप्रमत्त दशा न हुए सातवें गुणस्थान में, स्वस्थान अप्रमत्त दशा रहे तो छठवें सातवें गुणस्थान में जुड़ना बनता रहता है, और उसने आयु पूरी करके नवीन आयु बांधे सर्वार्थ सिद्धि तक की आयु बांध सकते। ये कह रहे हैं मानसिक दुख बहुत है वहां, और मानसिक दुख माने बहुत अधिक वेदना, मानसिक दुख माने जिससे अधिक कोई वेदना नहीं है, माने हम कितनी पीड़ा महसूस करते हैं मानसिक दुखों की, शारीरिक दुखों को सब सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कषायों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ऐसा लिखा है कि आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है, मर के भी सुखी होना चाहता है, सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, मेरे से ऐसा कह दिया, उनकी इतनी हिम्मत, मुझसे मेरे बारे में ऐसा कहा उन्होंने, मैं नहीं जी सकता, मेरे ऊपर ये लांछन लगा दिया, मेरे ऊपर ऐसा कह दिया, मेरे बारे में ऐसा कथन, कैसा देखो आप, ऐसी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करता, लोग क्या कहेंगे, जहर खा गया, इतनी शारीरिक तकलीफ तो नहीं है ना, मानसिक वेदना है, और वो मानसिक वेदना इतनी पीड़ा करने वाली होती है, तुरंत भावावेश में आकर, तीव्रता में आकर, उग्रता में आकर के कुएं में कूद जाता है, जहर खा लेता है, फांसी से लटक जाता है, ट्रेन से कूद जाता है, मरना चाहता है, और ये ऐसा सोचता है कि ऐसा करके अब तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि फिर ये टेंशन नहीं रहेगी, अरे नहीं, नई गति में चला जाएगा, और इन परिणामों से मरेगा तो अति संक्लेश भाव से मरियो, घोर शब्द सागर में मरियो, अत्यंत संक्लेश परिणामों से मरता हुआ नरक में चला जाएगा, आकुलता में परिणामों से मरेगा, त्रियंच गति में चला जाएगा, आर्थ रौद्र ध्यान में मरण करके नरक त्रियंच गति की प्राप्ति होगी, अपार दुख और वेदना को सहन करेगा। ये कह रहे हैं देवगति में भी क्या कारण है आखिर कि वे देवगति के जीव, असंख्यातों देवगति के जीव वहां से मरकर एक इंद्री में चले जाते, त्रियंच गति में चले जाते, गिने चुने जीव आते हैं मनुष्य गति में, देवगति में से असंख्यात देवों में से गिनती कर लो आप, इतने जीव आएंगे मनुष्य गति में, इससे ज्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि मनुष्य गति में जीव ही कितने, मनुष्य गति के जीव जो है गर्भज मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, इससे ज्यादा तो मनुष्य होते ही नहीं है, जिसमें त्रियंश से भी आ रहे हैं, नरक से भी आ रहे हैं, और एक इंद्री से पंच इंद्री तक सब अवस्थाओं से त्रियंश गति की, और कुछ देव में से भी आ रहे हैं, आ रहे हैं, और पहले से हैं, वो तो है ही मनुष्य गति में, जितनी आयु है जिनकी, अब कितने से आते हैं, उन्हें असंख्यात देव ऐसे हैं जो मर करके पृथ्वी का ही हो जाते हैं, जल का ही हो जाते हैं, वनस्पति का ही हो जाते हैं, त्रियंश हो गए, पंचेंद्रीय त्रियंश हो गए,
गधे गधे बन गए, कुत्ता बिल्ली बन गए, ऐसी है दशा देवगति। क्यों? मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा, आकुलता, असंतुष्टि, बेचैनी, तृष्णा के कारण दुखी है। कितनी अपार वेदना, हम उस वेदना की कल्पना नहीं कर सकते कि उन देवगति के जीवों को कैसी वेदना होती होगी, क्योंकि जिसके दुख जो ही जानता है। यहां भी हम कहते हैं मानसिक दुखी होता होगा, हाँ शारीरिक दुख तो है नहीं, मानसिक दुखी है लेकिन निरंतर है। देखिए शारीरिक दुख तो कभी होता है कभी नहीं होता, कभी पेट दर्द करता है तो कभी सर दर्द करेगा, पेट दर्द मिट जाएगा, लेकिन मानसिक दुख जो है ना 24 घंटे चलता रहता है। शारीरिक दुख तो आप पेन किलर खा लो तो शारीरिक दुख नहीं होता है, लेकिन मानसिक दुख के लिए कौन से पेन किलर है बताओ मेरे को, कि टेंशन नहीं होगी है, इसके लिए भी है कोई दवाई? ज्यादा टेंशन बराबर बना, चाहे ब्रेक भी आते 24 घंटे बना रहता है, निरंतर टेंशन ही टेंशन में। आकुलता तो है ही, आगे संसार दशा तो है ही ना, इतना नहीं है, जैसे जैसे नीचे स्तर है वैसे वैसे आकुलता और टेंशन ज्यादा है, मानसिक दुख ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वेदना तकलीफ मानसिक दुख कम है। अरे मुख्यता की अपेक्षा से कथन किया है, अब जैसे अपन यहाँ नहीं कहते कुछ लोगों के बारे में, अरे साहब ये तो मंदिर में ही रहते, मतलब इनका तो काल मंदिर में बीतता है, तो इसका मतलब ये हमेशा ही, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मंदिर में ही खाते पीते होंगे, मंदिर में ही नाते धोते होंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अधिक समय मैक्सिमम काल, बस इतना अर्थ समझना चाहिए। तो 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के अंदर काल व्यतीत करते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं आता, इसका अर्थ मात्र इतना ही समझना चाहिए। बोलो हर 33,000 वर्ष बाद में भोजन का विकल्प नहीं आता उनको, तो आता तो है ना, चर्चा भी करते होंगे, कुछ विवाद भी खड़ा होता होगा, कुछ शंकाएं भी होती होगी, सब तरह तो जैसा एक चौथे गुणस्थानवर्ती का जीवन हो सकता है वैसा ही जीवन है, इससे बढ़कर नहीं। व्रत नहीं ले सकते, संयम ही नहीं हो सकते, क्या इस बात का विकल्प भी रहता है, इस बात का दुख भी रहता है, खेत खिन्नता भी रहती है। सातवें से चौथे में आ गए और वो आनंद बिल्कुल एक झटके से कम हो गया, जो अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर संवेदन हो रहा था वो आनंद एक झटके से कम हो गया। आप समझ लीजिए, माने यदि अब इसको अपन तो पैसे की भाषा समझते हैं, गरीब हो गए, हाँ एकदम झटके से गरीब हो गए, ऐसा मान लो किसी व्यक्ति की तनख्वाह 75,000 थी और 75,000 से घटा करके एकदम 5,000 कर दी गई, तो उसकी वेदना सोचो क्या होगी। किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन रोजाना मिलता था और एक दिन वो भोजन करने के लिए बैठा और उसने कहा 2 घास से ज्यादा नहीं, बस बहुत खा लिया, अरे मैं तो बैठा हूँ बस बहुत हो गया, अब उसकी वेदना कैसी होती होगी, तो खत्म हो गया झटके से, कुछ भी नहीं बचा। तो अतिंद्रिय आनंद जो अंदर में आता था, अब वो अतिंद्रिय आनंद बचा कितना है, कुछ नहीं है, विकल्प ही तो है और क्या है, तत्व चर्चा के भी तो विकल्प ही हैं। ये मानसिक दुख बहुत है भाई, और वे सारे के सारे दुख देखो क्या कह रहे हैं आगे, देवगति में भी बहुत मानसिक दुख है, अकेले मानसिक दुख की बात नहीं कर रहे, बहुत मानसिक दुखों की बात कर रहे हैं, नीचे नीचे के स्वर्गों में, और अपने को जो विशेष पद दिखाई देता है वो तो इंद्रा का दिखाई देता है, इंद्र तो एक ही होता है, मान लो पहले स्वर्ग की बात करें अपन सौधर्म स्वर्ग में, तो इंद्र तो एक ही है ना, एक इंद्र एक प्रति इंद्र, ईशान स्वर्ग की बात करें दूसरे स्वर्ग में तो एक इंद्र एक प्रति इंद्र, तीसरे स्वर्ग की बात करें तो एक इंद्र एक प्रति इंद्र, असंख्यात देवों में इंद्र एक है और बाकी जनरल पब्लिक ही है। कोई व्यक्ति तिरंज गति में बैठ करके ये विचार करे है, या कोई नरक में बैठ करके ये विचार करे कि अरे तिरंजों की तो बहुत आनंद है, हमने सुना है वो एक कुत्ता ऐसा था जो है ना उसको उसका मालिक निलाता धुलाता था, गाड़ी में बिठा करके घुमाता था है, और उसको खूब खाना खिलाता था है, हर तरह की सुख सुविधाएं उसको, गर्मी लगती थी तो एसी में रहता था कुत्ता, तो तिरंज गति में कितने सुख है कितने आनंद है। नारी उसको समझाए, अरे मूर्ख वो तो कोई एकाध की बात है, कोई
लाखों करोड़ों अरबों में कोई एकाध कुत्ते की बात है जो ऐसा सुख में दिखाई देता है तुम्हारे को, बाकी तो जनरल ही है सब, गली में इधर झगड़ते रहते हैं, भोंकते रहते हैं, तकलीफ उठाते रहते हैं, वेदना भुगते रहते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं किसी देवगति के जीव के बारे में सुन लिया, अरे इंद्र का शासन चलता है, क्या वैभव है, इंद्र के निर्देशन में आज्ञा में सब चलते हैं, लेकिन वो एक ही है वो बाकी तो सब जनरल पब्लिक ही है। समझ लो, हिंदुस्तान में भी यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक एक ही है तो बाकी तो पब्लिक ही है ना, जो महंगाई के बोझ में पिटी चली जाती है, जिनको तकलीफ वेदना हर समय दुख भोगते हैं परिवार में घर गृहस्थी में रहते हुए, जिनके लिए जो ट्रैफिक के भीड़ भाड़ का में जो भोगते हैं दुख, वो जनरल लोग ही हैं। अब वो बड़े बड़े पद वालों को कहाँ पता कि उनके आने के पहले ही सब ट्रैफिक एक तरफ रोक दिया जाता है और उनको तो खाली सड़कें मिलती है दौड़ने के लिए, तो हर व्यक्ति तो वैसा नहीं हो सकता है ना। अब देवगति में जनरल लोगों की क्या दशा है कि जैसे यहाँ सामान्य कर्मचारियों की दशा है, निर्देशन में चलना पड़ता है, ऊपर से प्रेशर रहता है, दबाव में रहते हैं, टेंशन में काल व्यतीत होता है, घर गृहस्थी की टेंशन रहती है, कमाने की टेंशन रहती है, और काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत मजदूरी तकलीफ सब भोगना पड़ता है उनको, और फिर ऐसी तकलीफ मानसिक वेदना भोगते हुए भी ऊपर से आगे आ गया, नहीं नहीं ये काम करना पड़ेगा, पहले सब छोड़ करके पहले इधर लगो, सब छोड़ करके बेचारे उधर लगना पड़ता है, चलो हाथी बन जाओ, चलो घोड़ा बनो, चलो वहां व्यवस्था करनी है। अब उनके भोग और वो तो सब एक तरफ धरे रहते हैं, देवगति का आनंद जैसे हम आनंदमय समझते हैं वो तो एक तरफ धरी रहती है, और फिर क्या होता है, फिर जाते हैं इंद्र के निर्देशन में, वहां समूह चरण की रचना करनी है, वहां ये करना है, वहां ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस जगह की ऐसी व्यवस्था होनी है, वहां जाकर ये रत्न बरसाने हैं, चलो सूर्य चंद्रमा आदि को खींचते रहो 24 घंटे, तुम्हारा यही काम, ज्योतिष देवों को खींचने वाले 16,000 देव लग रहे हैं, ज्योतिष देव सूर्य को खींचने वाले, चंद्रमा को खींचने वाले 16,000 देव हैं, और 24 घंटे नॉन स्टॉप, दूसरा कोई काम नहीं, एक ही काम, कैसी वेदना होती होगी, और मौत के हाँ इसमें मरण हो जाता है, और क्या है, आयु पूरी होगी दूसरा आ जाएगा उसकी जगह, राजा तो राजा भैया पुण्य करके आया ना, थोड़ा सा राजा लाइन में लग जा, जल चक्कर लगा, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नरलोके, और फिर मरते ही मरने के 6 महीने पहले सब जानते ही हैं, वो वेदना माला मुरझाना, ऋद्धि का प्रभाव कम हो गया, अपने से ऊंचे देवों को देख देख करके जलते रहते हैं, ईर्ष्या से दुखी होते हैं, वो सब जानते ही हैं अपन, कितनी वेदना है, मैंने देवगति आसान नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपन बात करें उनके संदर्भ में, देखो और देखो कितनी कठोर ड्यूटी, मौत की कीमत पर भी निरंजना जैसे, आप सबको पता है जितने लोग वहां हैं, जितने उसके आसपास वाले हैं, सबको इस बात का पता है कि 10 मिनट बाद में इसकी मौत होने वाली है, 6 महीने से अपने मौत की आतुलता के कारण वो परेशान है, किसी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसको ये दिखाई दे रहा है कि मैं मर के कहां जाने वाली हूं, 6 महीने हो गए, तो अंतिम दिन है आज, 10 मिनट बचे हैं, और सोलर में इंद्र आकर के निर्देश देते हैं कि जाओ तुम्हें नाचना है, मना नहीं कर सकती, डांट नहीं सकती, वो निरंजना ये नहीं कह सकती किसको, सौगर मेंद्र को पलट के जवाब नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हारे को, मैं मौत मरने वाली हूँ, मैं मिली हूँ तुम्हारे को नाचने के लिए, और नहीं है इतनी दिवंगना, असंख्या दिवंगना है, या भेज दो किसी और को, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, सामने जवाब दे ही नहीं सकती, जाना है मतलब जाना है, और अंतिम सांस तक मौत की कीमत पर भी नाचना है, और किस लिए जाकर के नाचना है, जो बर्थडे पार्टी मना रहे हैं ऋषभ देव स्वामी, उस पार्टी में जाकर के उनको खुश करने के लिए नाचते हैं, और नाचते नाचते ही जीवन पूरा हो गया, कैसी दशा है ये, ऐसी बात ये तो अपने को ऋषभ देव पुराण से समझ लो, आप ये नीलांजना की घटना का पता है क्या, ऐसी घटनाएं उन लोगों के जीवन में घटती ही रहती है। अच्छा मुझे बतला दो, जिस व्यक्ति को अभियोग जाति के जिस देव को बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के समय ऐरावत हाथी बनना है क्या, और 10 मिनट बाद में उसकी मौत होनी है, तो क्या वो अपनी ड्यूटी से मना कर सकता है,
करना ही पड़ेगा। आयु तो कभी भी किसी की पूरी हो सकती है ना, जितना वो काल लेकर के आया है, बीच रास्ते में यदि उसकी आयु पूरी हो तब तक तो उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी। यहाँ किसी व्यक्ति को पता लग जावे 10 मिनट बाद में मरने वाले हैं, तो कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो, अरे आप, अरे नहीं नहीं आप क्यों उठ रहे हो, आप तो बैठो बैठो, क्या चाहिए आपको बोलो, मैंने वो खड़े नहीं होने दोगे आप उनको, आस पड़ोस वाले सब लोग बिल्कुल जैसे उनकी अड़चनी में खड़े हो जाए बिल्कुल, अब 100% पता हो कि 3 दिन बाद में मरने वाले हैं, तो 3 दिन तो उसके ऐसे बीतेंगे जैसे स्वर्ग बीत रहे हैं। जो नाराज होते थे, जो डांटते थे, जो बिगड़ते थे उनके ऊपर, वो भी आज इतना प्यार से बात कर रहे हैं, अरे ये तो अब 2 दिन के मेहमान है, इनको जाना है, इनको कोई काम मत बतलाओ, आप बोलो आपकी और इच्छा क्या है और आप क्या चाहते हो, और मरने के बाद में भी सोचते हैं कि नहीं नहीं उनकी अंतिम इच्छा थी, ये काम तो अपने को पूरा करना ही है। चलिए साहब, आपको लगेगा ये तो हीन जाति के देवों की बात होती होगी, अभियोग जाति के देवों की बात होती होगी, सफाई कर्मचारी भी होते हैं वहाँ क्या, इंद्र सामान्य त्रयत्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक अभियोग्य किलविश, कैसे 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 देव होते हैं सफाई कर्मचारी, नगर में रहने की परमिशन नहीं है उनको, कितनी वेदना होती होगी आप समझ सकते हैं इस बात को, वो शेड्यूल कास्ट जैसे हैं वो, मानिए आप छू नहीं सकते किसी को, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, बुलाते हैं उनको साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं के लिए, वो कुछ करते हैं कहीं भी किसी भी जगह पर, बाहर अछूत की तरह रहते हैं, बाहर बैठ नहीं सकते, अंत में रहते हैं, उनके नगर उनकी क्षेत्र अलग है, उनकी उनकी कॉलोनियां अलग है, जयपुर भी इसी तरह से बसाया गया है ना सब तरह से, अब तो खैर बहुत बदल गया, लेकिन जिस समय बसाया था जयपुर, वो आप देखिए हर मोहल्ला एरिया क्षेत्र सब अलग अलग जाति के हिसाब से, अलग अलग काम करने वालों के हिसाब से, लोहारों के हिसाब से अलग है, धोबियों के हिसाब से अलग है, हर जगह के ऐसे बसे हुआ है पूरा जयपुर, पहले हरिजयनगर सामने था और सज्जन पुरुष निकल रहे तो खुद वो एक तरफ हो जाता था, अब तो सज्जन पुरुष तो एक तरफ होना पड़ता उसके निकलने के लिए। खैर ऐसी व्यवस्थाएं भी, पुलिस भी होती है वहाँ, सिपाही भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, सामान्य कर्मचारी भी होते हैं, अभियोग जाति के देव भी होते हैं, सबके अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, ये सब होते हैं, और इन सब का शासक एक ही होता है जिसका नाम है इंद्र। आप ये कह सकते हैं कि साहब कोई बात नहीं, सब लोग तकलीफ उठाते होंगे, लेकिन 100% ये बात तो नहीं कही जा सकती है कि देवगति दुख रूप है, क्योंकि इंद्र तो आनंदित रहता होगा, तर्क तो कर सकता है कोई भी व्यक्ति, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि देवगति दुख रूप है, भले एक ही सही लेकिन कोई तो दुखी है, ऐसा तो कह सकते हो आप, और अपना ही नंबर आएगा, अपन तो इंद्री बनेगी, इंद्र की हालत और ज्यादा खराब है, क्यों ज्यादा खराब है उसकी हालत, ये तो आप उनसे पूछो जिनके पास में पदवी है, क्या प्रधानमंत्री की हालत है, मुख्यमंत्री की हालत, राष्ट्रपति आदि जो ऐसे जिनके पास में पोस्ट है पद है, उनकी हालत देखो आप, वे जनरल आदमी की तरह सड़क पे घूम नहीं सकते, वे आसानी से, मतलब आप देखो कैसी कैसी हालत रहती है, मैंने एक दिन उल्लेख किया था उस पिक्चर का, कौन सी पिक्चर थी क्या है, वो अमिताभ बच्चन की नहीं, शिवराज नायक है, देखिए अनिल कपूर की मुख्यमंत्री, एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया गया उसको, नवल जी का लैपटॉप दिन शरीर और टाफी उठा ली उसमें तो फोटो आ गई, बोलो आप ऐसा होता है, कुछ नहीं कर सकते, मैंने वो जीवन कैसे जीते हैं, कितने दबाव में जीते हैं, सभी नहीं खरीद सकता, घर गृहस्थी के लिए समय नहीं दे सकता है, सड़क पर खड़ा होकर के किसी से बात नहीं कर सकता, एक नॉर्मल आदमी की तरह जीवन नहीं जी सकता, फैमिली के साथ में घूमने नहीं जा सकता, एक दिन अमिताभ बच्चन का स्टेटमेंट था छुट्टियां बिताने के लिए मतलब कोई ऐसी जगह तलाशते हैं जहां कोई पहचानता नहीं, क्या करें बोलो, मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज की दशा है कि वो
क्योंकि जहाँ जाए पब्लिक खड़ी हो जाती है, जाना चाहे शांति हो जाए उनका जीवन कितना कठिन है। आप अपनी छुट्टी मनाने के लिए चुलगिरी जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, यात्रा जा सकते हो, है मैं सही पूरे साल भर 2-5 दिन के लिए आप कहीं ना कहीं शांति की जगह पर जा सकते हो आप और छुट्टियां मना सकते हो। उनको ऐसी परमिशन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कि साहब देवगति में भी ऐसा होता होगा क्या? इंद्र की हालत कितनी खराब है देखो आप। मैं यदि इंद्र की अपेक्षा से बात करूं तो कहा जा सकता है कि सौधर्म इंद्र पहले स्वर्ग में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है, 2 सागर मान लो आप, है ना, 2 सागर की आयु है उससे ज्यादा, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट है और सर्वोत्कृष्ट पुण्य के वजह से उसको पहले स्वर्ग के अंदर इंद्र पद मिला है। उससे ज्यादा उम्र किसी की नहीं होगी। तो साहब ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि अच्छी बात नहीं है उसके जन्म से लेकर क्या जितने लोग थे उसके जन्म के समय, सौधर्म इंद्र के जन्म के समय उसने एक एक व्यक्ति को मरते देखा है, एक एक व्यक्ति को तड़पते देखा है उसने अंत समय में, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो उसके जन्म के समय मौजूद था और उसके जन्म के बाद तक मौजूद रहे। देवांगना और इंद्राणियों की तो बात ही छोड़ो क्या, क्योंकि देवांगनाओं और इंद्राणियों की इनकी तो आयु भी बहुत अल्प होती है, पल्लियों में होती है और वो सागरों में है। मैक्सिमम 5 पल्ले की आयु है पहले स्वर्ग में देवांगनाओं की, इंद्राणी की आयु 5 पल्ले की और सौधर्म इंद्र की आयु 2 सागर की, माने 20 कोड़ी पल्ले की और ये 5 पल्ले। और फिर क्या होता है, एक इंद्राणी आती है 5 पल्ले तक रहती है और अंत समय में मरण को प्राप्त हो जाती है 5 पल्ले की आयु पूरी करके। 5 पल्ले तक सौधर्म इंद्र उस इंद्राणी के साथ में रह रहा है, शची के साथ में। वो आयु पूरी करके चले गई, फिर दूसरी इंद्राणी आ गई शची, वो आयु पूरी करके चले गई, फिर तीसरी इंद्राणी आ गई मनुष्य गति से, वो आयु पूरी करके चले गई, फिर चौथी इंद्राणी आई जैसे तैसे करके उससे रात सहित रहने लगा उसके साथ में और 5 पल्ले पूरा करके वो चले गई, फिर नई शादी वो मोक्ष जा रही है और मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म इंद्र आ रहा है। देवांगना नहीं, अरे देवांगनाएं तो अनगिनत है, ये 40 नील तो शची इंद्राणी है, प्रमुख इंद्राणी की बात है और शची जैसे 8 इंद्राणियां प्रमुख होती है क्या इंद्र के जीवन में, और सबके सब 40 नील बदल जाती है। बोलो आप, लाखों इंद्राणियां हैं देवांगनाएं हैं और उनके वियोग का, उसके जीवन काल में एक मंत्री बदल गया, उसके जीवन काल में एक कुबेर बदल गया, उसके जीवन काल में उसके लोकपाल बदल गए, उसके जीवन काल में उसके पहरेदार बदल गए, फिर नए आते हैं, नए व्यवस्थापक आते हैं, उनको समझाता है और इतना ही नहीं जितने थे सबके जा करके मोक्ष कल्याणक मना रहा है। मैं क्या करूं, आयु जब तक है फंसे रहना पड़ेगा। क्या इंद्राणियों को मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है, सबका मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए जाता है। 40 नील कितना लंबा काल है उसका, ये हालत है सौधर्म इंद्र की। और कैसी दशा का चित्रण कर रहे हैं यहाँ, मानसिक दुखे ये सब। अब उनसे कोई कहे कि इंद्र महाराज आपको क्या तकलीफ है, सर दबा दूं आपका, अरे सर दर्द है, सर दर्द थोड़ी ना होता है यहाँ पर, क्या यहाँ सर में दर्द का काम नहीं है, लेकिन फिर भी सर दर्द कम नहीं है, सर दर्द मेरे टेंशन कम नहीं है, कितनी वेदना है उनको। देवगति में भी बहुत मानसिक दुख है, बहुत मानसिक दुख है, माने मनुष्य गति की तुलना में अनगिनत मानसिक दुख है। अपने से अधिक रिद्धि के धारी देवों को देखकर और अपने को कम रिद्धि वाला मानकर दुखी होता रहता है, तो होता ही है ऐसा, तो क्योंकि अपने से ज्यादा दिखेंगे ही ना, सब बराबर के तो है नहीं, अपने से ऊपर स्वर्ग वाले, ऊपर स्वर्ग वालों को देखने की बात तो नहीं है। ये उसी स्वर्ग में इंद्र सामान्य आदि जो हैं, जिनका प्रभुत्व दिखाई देता है, जिनका पद दिखाई देता है, जिनकी विशेष सामर्थ्य दिखाई देती है, जिनका वैभव विशेष दिखाई देता है, विशेष पुण्यशाली है, उनको देख देख करके उनके निर्देशन में चल करके, यहाँ भी क्या होता है जिसके निर्देशन में हमारे को चलना पड़ता हो, जो बार बार में हमारे को ऑर्डर देता रहता हो, हमारे को कितना लगता है कि यार एकदम देख लेंगे क्या क्या करे, आज इसके दिन है मानना पड़ेगा, मेरे क्या करें, कर तो कुछ सकता नहीं, मानना पड़ेगा।
बिल्कुल। देखो आप फिर कहते हैं अपनी देवांगनाओं को तथा अन्य देवों को मरते देखकर दुखी होता है। अब मरेंगी देवांगनाओं की आयु देवों की तुलना में बहुत अल्प होती है, तो उनको मरते हुए देख करके दुखी होता है और अपना मरण निकट आने पर तो अत्यंत दुखी होता है। और कैसा वर्णन करें इसका, दूसरों के मरण को देख देख करके दुखी होता है, दूसरों के वियोग से होने वाली वेदना से दुखी है। आप सोचिए यहाँ जो मैंने अभी चर्चा की ना, उनके जीवन काल में सब चले जाते हैं, आप चर्चा की समझिए, आप हमारी आंखों के सामने हमारे सामने जन्मे और हमारे साथ वाले हर व्यक्ति छोड़ छोड़ करके जाते रहे और चले जाए और हम ही अकेले छूट की तरह खड़े रहे। हमें लगता है यार हम ही गाय को हम भी चले जाए तो अच्छा है। अब ये हमारे साथ से अब ये भी चले गए, ये साथ से ये भी चले गए, अब ये भी चले गए, हम तो अकेले ही बच गए हमारी पीढ़ी वालों में। अब क्या करें, चार लोग चल जाए, तीन लोग बहुत जल्दी आ जाए तो ऐसा होता है। मैं पीछे रह गया, मैं ही रह गया अकेला है, मुझे जोड़ करके चले गए दूरी में, उसको ऐसे लगने लगता है शिखर जी छोड़ो चूलगिरी चढ़ने में ऐसा लगता है। आजकल तो चूलगिरी चढ़ने वाले लोग ही कहाँ बचे हैं, सब गाड़ियों से चढ़ते हैं, लेकिन पैदल चढ़ने का भी एक अलग रस है ना, चढ़ना चाहिए पैदल भी, पैदल भी जाना चाहिए। रास्ता सड़क मार्ग नहीं था तो पैदल ही जाया करते थे, वो आनंद ही एक अलग था। चूलगिरी की बात कर रहा हूँ, शिखर जी में भी हो जाएगा ऐसा, हो ही रहा है, डाक बंगले तक तो जाती है गाड़ी, रास्ता होते और अपने को ऐसा लगता अरे साहब कितना अच्छा हो कि सीधा हेलीकॉप्टर से वहीं उतरे ऊपर पासनाथ के चौक पर और दर्शन करके आ जाए। ठीक है हो जाएगा ऐसा ही, जैसी सुविधा से वंदना होगी वैसा ही पुण्य वंदन होगा, वैसा ही पुण्य लाभ मिलेगा। आपकी भावना तो रही नहीं ना, जिसकी जैसी भावना सोते तो फल पाए। इस तरह से यहाँ ये मानसिक दुखों की चर्चा करते हैं और ये सब क्यों है, ये कि मोह निद्रा के कारण ये सब दुख प्रकट भोगते हुए भी प्रकट दिखाई देते हुए भी ये जी विकल्प नहीं करता तो अपार दुखी ही बना रहता है। इस तरह यहाँ देवगति के मानसिक दुखादि की चर्चा अपन ने थोड़ी बहुत की है, विशेष चर्चा अपन का। भारती कोई जो कुछ में शुद्ध राशन लागे तो
अच्छा।